बात थी 1985 की। एक मामूली से जैपनीज घर में एक लड़के का जन्म होता है। उसके मम्मी का नाम मित्सी नोहारा और पापा का नाम हिरोशी नोहारा था। उन्होंने अपने लड़के का नाम शिनोसुके नोहारा रखा, लेकिन वो लोग उसे प्यार से सिंचैन पुकारा करते। सिंचैन शुरुआत से ही बहुत शरारतें करता रहता और उसकी मॉम हमेशा उसे समझाती रहती। तो बात थी 1990 की, मतलब 5 साल बाद, जब सिंचैन 5 साल का हो गया था। उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला था। फाइनली नोहारा परिवार को उनका दूसरा बच्चा हिमावारी मिलती है, जो अभी सिर्फ कुछ दिनों की थी। अब नोहारा परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। बात थी एक आम दिन की, जब सब नॉर्मल था। सिंचैन अपने टॉयज से खेल रहा था, शीरो बाहर अपने डॉग हाउस में सो रहा था, हिमामारी भी वहीं पे खेल रही थी। तभी सिंचैन की मॉम मित्सी देखती है सिंचैन ने अपने टॉयज पूरे कमरे में इधर उधर बिखेर रखे थे। मित्सी सिंचैन को डांटती है और कहती है सिंचैन अपने टॉयज सही से अपने बॉक्स में रखा करो। सिंचैन कहता है मॉम अगर आप मुझे एक चोको चिप्स का पैकेट और एक एक्शन कामेन दिलाओगे तो मैं अपने टॉयज हमेशा सही से रखा करूँगा। तभी मित्सी को याद आता है आज तो सुपरमार्केट में सेल लगी है और सारे सामान 50% ऑफ मिलेंगे। मित्सी कहती है चलो सिंचैन हमें सुपरमार्केट जल्दी जाना होगा। सिंचैन हिमामारी और मित्सी अपने घर को लॉक करके सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां काफ़ी सारे डिस्काउंटेड सामान थे। मित्सी जल्दी जल्दी सारे डिस्काउंटेड आइटम्स लेने में बिजी रहती है और वहीं सिंचैन एक्शन कामेन टॉयज और चोको चिप्स देख रहा था, लेकिन किसी का ध्यान हिमामारी पर नहीं था। वो अपने बेबी कार्ट में बैठी तो थी, लेकिन वो बाहर ये देखती है एक आंटी के हाथ में डायमंड की रिंग थी। अब हिमामारी को शुरुआत से ही चमकती चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। सिंचैन और मित्सी दोनों बिजी थे, तो हिमामारी कैसे करके अपने बेबी कार्ट से उतर जाती है और उन आंटी का पीछा करने लगती हैं। वो आंटी सुपरमार्केट से बाहर जा रही थी और हिमामारी भी उनके पीछे पीछे आती जा रही थी। वो आंटी बाहर रोड क्रॉस करने वाली होती हैं, पर अभी रेड सिग्नल था। तभी सिंचैन को ये दिखता है बेबी कार्ट तो खाली है। वो हिमामारी को ढूंढने लगता है। वो देखता है हिमामारी रोड साइड पे थी। वो तुरंत बाहर जाता है उसे पकड़ने, लेकिन तभी वो आंटी रोड क्रॉस करने लगती हैं। उनके पीछे हिमामारी भी जा रही थी और लकीली किसी का ध्यान भी हिमामारी पे नहीं गया था। और उसी समय एक आदमी काफ़ी तेज़ी से कार चला के आ रहा था। सिंचैन बस हिमामारी को उठाने जाता है रोड पर, लेकिन तभी वो आदमी इतनी तेज कार ले आ रहा था उससे ब्रेक भी नहीं लगता है और वहीं पर सिंचैन और हिमामारी को दोनों को टक्कर मार के वो चला जाता है। टक्कर मार के वो बदमाश आदमी तो भाग जाता है। तभी रोड पे बहुत शोर होने लगा था। सब लोग बचाने की जगह ये कह रहे थे ये दोनों किसके बच्चे हैं। मित्सी जो इतना बिजी थी शॉपिंग में, जब देखती है रोड पर बहुत भीड़ लगी थी तो मित्सी जाके देखती है तो मित्सी की रूह निकल जाती है, जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। अपने दोनों बच्चों को इस हालत में देख मित्सी वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। मित्सी को जैसे सदमा लग गया था। इस गलती के लिए मित्सी अपने आप को कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएगी। सालों बीत गए, मित्सी की ज़िंदगी जैसे पूरी तरह टूट गई थी। उसकी ज़िंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं था। मित्सी पूरा दिन सिंचैन और हिमामारी को याद करती और रोती रहती। मित्सी सिंचैन के क्रियोन सेट से सिंचैन और हिमामारी की यादें बनाया करती कि जब वो दोनों इस दुनिया में थे तो वो कैसी कैसी शरारतें करते और उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हुआ करती थी। 2 साल बीत चुके थे जब ये न्यूज़ मीडिया में फेमस होने लगी, तो योशितो उसुई, जो कि एक मांगा एलुस्ट्रेटर हैं, उनको ये स्टोरी दिल पर लग गई थी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिंचैन और हिमामारी की शरारतों का एनिमे अडेप्टेशन करेंगे और वही हमें मिला, सिंचैन कार्टून, जो आज के समय में हर एक बच्चे का पसंदीदा शो हो चुका है। मात्र 2 साल बाद योशितो उसुई ने 1992 में मित्सुरो होनगो, केलेची हारा और यूजी मोतो की मदद से सिंचैन का पहला एपिसोड एयर किया और सिंचैन का पहला एपिसोड आते ही पूरा जापान हिल गया था। मतलब सिंचैन इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा था कि सिंचैन इतना पॉपुलर हो गया कि आज के समय में 45 कंट्रीज़ में सिंचैन देखा जाता है और सिंचैन को 30 अलग अलग लैंग्वेजेज़
में डब किया जाता है, और अभी तक सिंचैन की 1000 से ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं और 31 से ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं जो सारी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं, और सिंचैन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आगे जाके सिंचैन के क्रिएटर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी, जैसे कि सिंचैन का फ्रेंड ग्रुप जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है बो चैन, मसाओ, कजामा और नैनी चैन, और सिंचैन का किंडर गार्डन जिसके अराउंड हम लोग को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूँ, सिंचैन अभी भी जापान में बनता है और बहुत लोगों को अभी भी सिंचैन बहुत पसंद है। वेल, सिंचैन की असली स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं तुम लोग से यही कहूँगा, अगर तुम लोग सिंचैन को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, जिससे मुझे ये पता लगेगा सिंचैन मेरा ही नहीं सबका फेवरेट शो है। और कमेंट्स में आई लव यू सिंचैन जरूर लिखना, क्योंकि यार शायद ही सिंचैन जैसा अमेजिंग शो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा, अपनी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि जिनके पास ये लव नहीं होता उनकी ज़िंदगी बहुत दुख भरी होती है। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की बातें माना करो और उन्हें रिस्पेक्ट दिया करो। वेल, लास्टली मैं यही कहूँगा, अगर तुम लोग सिंचैन के रियल फ़ैन हो गए तो यार इतनी इमोशनल स्टोरी देख के तुम लोग अभी तक तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दियोगे, और यार अगर अभी तक नहीं किया तो यार प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अगर तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो यार मैं तुम लोग को बेट करता हूँ कि यार फ्यूचर में तुम लोग को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दूंगा, और यार तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला देता है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करो, और सिंचैन आई लव यू लिखना जरूर से कमेंट में, जिससे मुझे पता लगेगा तुम लोग यार सिंचैन को कितना ज़्यादा पसंद करते हो। सो गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।